बारिश के कारण पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, कई रास्ते बंद हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। अगर आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये रिपोर्ट आपके लिए। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर गिर रहा है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता। पूरे पहाड़ पर कई खतरनाक जोन बन गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर किशनपुर में पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री भी फंसे हुए थे, जिन्हें पैदल ही निकाला गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश से सड़क बह गई है, इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग प्रशासन से की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी, तो लेकिन मुझे ये कहना है जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी, जो संबंधित विभाग है थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें वहाँ। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहाँ जहाँ सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्र राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, ये पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में SDRF की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। SDRF समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान SDRF ने डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। यानी आने वाले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जुलाई वाला जल सितम जारी है। आपको ये बता देते हैं, लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से आम जन को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहे हैं, जो लोगों के लिए डबल मुसीबत का अटैक है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे जिलों में मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात, MP जैसे राज्यों में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है।
पहाड़ पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ दरकते पहाड़। आलम यह है कि कहीं रास्ते बंद है तो कहीं सुरंगें सैलाबी समंदर बन गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ और दलदल हो गया है। जहां गाड़ियां फंस रही हैं, वहीं सुरंग के मुहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए बीआरओ ने मशीन लगाई है, पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते जा रहे हैं। चमोली के दशोली विकास खंड के गुनियाला गांव में भारी बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए। बारिश के बाद भारी मलबा आ गया। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्कूली